दोस्तों, जियो ने अपने यूजर्स को दिया झटका। इसके तहत मैं आपको तीन ऐसी बुरी अपडेट बताऊंगा जो जियो ने हाल ही में बंद कर दिया है। कौन कौन से अपडेट है जिसको जियो ने बंद कर दिया, उसे जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिएगा। बात करता हूँ जियो के तीन ऑफर जो बंद कर दिए गए हैं। पहला ऑफर, आपको पता होगा जियो इमरजेंसी डेटा लोन देता था आपको। जियो इमरजेंसी डेटा लोन के तहत आपको 5 GB डाटा, यानी आप 5 GB डाटा क्लिक कर एक्टिवेट कर बिल्कुल फ्री में ले सकते थे, यानी आप 5 GB डाटा का लाभ ले सकते थे और बाद में उसका चुकता करते थे आप पैसा। तो 5 GB डाटा इमरजेंसी डेटा लोन को पूरी तरीके से जियो ने बंद कर दिया है। दूसरी ऑफर की बात करूँ तो जैसे ही आप माई जियो एप्लीकेशन से कोई भी रिचार्ज करते थे, जो आपका रिचार्ज 200 के ऊपर का होता था, तो आपको ध्यान देना है कि उसमें आपको 20% का कैशबैक मिलता था। दूसरी अपडेट, आपको 20% का कैशबैक मिलता था, लेकिन अब उस 20% का कैशबैक जो आपको जियो मार्ट से मिलता था, फ़ोन पे करने पे आपका डिस्काउंट होकर पैसा कटता था, अब उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो दूसरी आपको बैड न्यूज़ मिला कि जो आपका दो ऑफ़र था उसे पूरी तरीके से जियो ने बंद कर दिया है, और मैं आगे की जानकारी आपको बताना चाहूँगा तो ध्यान से आप समझिएगा। तीसरा अपडेट यह है कि आपको जो भी ऑफ़र्स मिलता था, ऑफ़र्स जो भी आपका रिचार्ज का था, यानी आप कोई भी रिचार्ज नहीं करवाते थे, उसके बाद यदि आप एक रिचार्ज करवाते थे, या आपको कभी कभी 119 रुपये का जो 14 दिन की वैलिडिटी 1.5 GB डाटा वाला प्लान रहता था, वो आपको मुफ्त में दिया जाता था, लेकिन उसे भी जियो अब हटा दिया है। आपको पूरी तरीके से अब अपना रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आपका जो है पूरी तरीके से जियो सिम कार्ड चलेगा। इसके तहत एक और अपडेट आपको बता दूं कि आपका प्राइम मेंबरशिप जो लगता था उसे हटा दिया गया है। ये बेनिफिट्स बहुत ही बेटर बेनिफिट्स है। और एक अपडेट बता दूं कि यदि आपके पास जियो कीपैड फ़ोन है, उसे एंड्रॉयड में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगाने के बाद आपको कोई भी रिचार्ज एंड्रॉयड का करा लेना है और 1991 पे कॉल कर उसे आसानी से आप एक्टिवेट कर लेंगे और आपका आसानी से चलने लगेगा विदाउट प्राइम मेंबरशिप का। ये बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, और अधिक जानकारी चाहिए तो इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। मैं नई जानकारी लेकर आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।